नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर हमारे प्रेगनेंसी टेस्ट में दूसरी लाइन हल्की आए, जिसको कि हम बोलते हैं वीकली पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, तब हमें क्या करें। तो जब भी वीकली पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो आइडियली आपको 3-4 दिन वेट करके मॉर्निंग सैंपल यानी सुबह की पहली बाथरूम से रिपीट प्रेगनेंसी टेस्ट करें। पहली बाथरूम में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, तो इसलिए ये संभावना ज्यादा होती है कि अब हमारा रिजल्ट हमें क्लियर वैल्यू दे कि एक्चुअली क्लियरली पॉजिटिव है कि नहीं। दूसरा मन में सवाल आता है कि क्या हम सोनोग्राफी तुरंत नहीं करा सकते। हम सभी को पता है कि जब भी हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और हम प्रेगनेंसी के सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आइडियली 10 से 14 दिन वेट करने के लिए बोलते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो 7 दिन के पहले आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा सोनोग्राफी। प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आ जाता है? जब आपकी प्रेगनेंसी 1 या 2 दिन की डिले हुआ होती है, यानी कि 4 हफ्ते 1 या 2 दिन। और हमें सोनोग्राफी में अर्लीस्ट कब दिखाना शुरू होता है? 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी कम से कम होनी चाहिए, जब हमें जेस्टेशनल क्रैक यानी एक प्रेगनेंसी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देनी शुरू हो। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है वीकली, इससे हमें सोनोग्राफी से कुछ हेल्प मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मन में सवाल आता है कि क्या ये एबनॉर्मल चीज है? नहीं, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। हम सभी ने बीटा एससीजी के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुना है और हम सभी को ये पता है, जब हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव या निगेटिव। लेकिन बीटा एससीजी नंबर्स में वैल्यू देता है, 5 है 50 है 1000 है ऐसे कर। बीटा एससीजी नॉर्मली 5 से ऊपर पॉजिटिव माना जाता है, यानी कि पेशाब की जांच में पॉजिटिव लाइन आ सकती है। लेकिन अच्छी वैल्यू यानी डेवलपिंग प्रेगनेंसी 300 से 400 के बीच में मानी जाती है। और प्रेगनेंसी हमें कब दिखाई देगी सोनोग्राफी में? जब वैल्यू 1500 से ऊपर। और बीटा एससीजी के अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो ये समय के साथ साथ बढ़ेगा। हर 48 घंटे में 48 आवर्स में ये 66% यानी कि 2/3 राइज हो जाएगा। तो अगर हमारी इनिशियल वैल्यू 500 है और हमारी प्रेगनेंसी वेल ग्रोइंग है, अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, तो हम 2 दिन बाद अगर हम बीटा एससीजी कराते हैं तो इसकी वैल्यू 800 से 800 से ऊपर आएगी। मन में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वीकली पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ रहा है? तो वीकली पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमने बिल्कुल एक भी दिन डिले नहीं हुआ और प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, तब आ सकता है। अगर कोई प्रेगनेंसी फेल हो रही है, मतलब ग्रो नहीं कर रही है, तब भी वीकली पॉजिटिव आ जाता है। और ये उन केसेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आपकी 2 लाइनें अच्छी डार्क थी और बाद में फिर आपने दोबारा किया तो वीकली पॉजिटिव यानी एक लाइन हल्की डार्क हो गई, या फिर आपको प्रेगनेंसी के कुछ उल्टी जैसे सिम्टम्स आ रहे थे और वो अब खत्म हो गए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने आप में वीकली पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। कुछ केसेस में डिलेड रिस्पॉन्स, अगर हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो 10-15 मिनट बाद एक बहुत हल्की सी गुलाबी लाइन दिखाई दी जाती है, इसको हम इवेपोरेशन लाइन बोलते हैं। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टोपिक एक्टोपिक हमें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक कि बीटा एससीजी की वैल्यू 1500 से ऊपर ना हुई हो, और एक्टोपिक के लिए सोनोग्राफी जरूरी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जो यूट्रस में डेवलप होनी चाहिए थी वो यूट्रस में ना डेवलप होकर ट्यूब में डेवलप हो गई। इस पे मेरा एक पूरा वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट तभी संभव है जब हमें पता हो कि यह एक्चुअली एक्टोपिक है। तो अगर हम घबरा भी रहे हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो भी हमें बीटा एससीजी 1500 के होने तक का वेट करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि हम जो है डॉक्टर से कब मिल सकते हैं। मेरी सलाह बहुत जरूरी ये है कि जब भी आपका बीटा एससीजी वीकली पॉजिटिव आए और 3-4 दिन बाद आपका करके देखें और उसके बाद भी आपको डाउट हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो फिर जब भी आपका बीटा एससीजी पॉजिटिव आया उसके 7 से 10 दिन के बाद अपने डॉक्टर से संपर्क। आखिरी सवाल आता है कि हमारे केस में ऐसा हो रहा है कि बार बार हमारा वीकली पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें कुछ टेस्ट की आवश्यकता है, जैसे कि AMH या कैरियोटाइप। इसका मतलब ये है कि शायद अंडों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए और प्रेगनेंसी बार बार डेवलप नहीं हो पा रही है। मेरी सारी जानकारी वीकली पॉजिटिव यूपीटी से रिलेटेड, आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।